हेलो एवरीवन, टीचिंग जॉब सम्राट चैनल पे आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल पे डेली बेस पे जितना भी टीचर्स का रिक्वायरमेंट होता है वो मैं अपलोड करता हूँ। एंड हम लोग का एक फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप लोग इजीली जुड़ सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट। आज का जो वैकेंसी है वो इंडियन रेलवे का तरफ से आया हुआ है। इंडियन रेलवे में जितना भी हम लोग का स्कूल है उस स्कूल्स में बहुत सारे टीचर्स का रिक्वायरमेंट आया हुआ है, लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है। तो चलिए देखते हैं बाकी डिटेल्स। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि एज लिमिट जो है 18 से 65 तक इयर्स का जिन लोग टीचर्स है विथ हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस उन लोग आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टेट मैंडेटरी नहीं है, मतलब आप लोग अगर टेट अगर नहीं भी रहा तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए कुछ भी फ़ी आप लोग को पे करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं बाकी डिटेल्स, ये कहाँ से आया है एंड एवरीथिंग। तो एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, एज बिकॉज मैं इसी तरीके से आप लोग का सामने डेली जितना भी वैकेंसीज होता है मैं अपलोड करता हूँ एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट फॉर डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं बाकी डिटेल्स। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन सा वैकेंसी आया है। टीचर इंग्लिश में, हिंदी में, देन मैथ्स में, सोशल साइंस में, फिजिकल एजुकेशन में और पीआरटी में, मतलब दैट मीन्स बहुत सारे यहाँ पे टोटल 6 सब्जेक्ट्स में आप लोग को वैकेंसी मिला गया है। उसके बाद आप लोग को जो क्वालिफिकेशन है वन बाय वन आप लोग देख लीजिए। पहले इंग्लिश के लिए हम लोग का लगेगा बीएड, देन उसके लिए यहाँ पे ब्रिजेड मतलब बीए, मतलब आप लोग का मिनिमम अगर ग्रेजुएशन डिग्री है विद बीएड है तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैथ्स के लिए आप लोग को बीएससी विद बीएड लगेगा, सोशल साइंस के लिए बीए बीएड लगेगा, फिजिकल एडुकेशन के लिए बीपीएड मतलब जो ग्रेजुएशन होता है बीपीएड वो, उसके बाद पीआरटी के लिए नॉर्मल आप लोगों को ग्रेजुएशन विद बीएड डिग्री होने से आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वन बाय वन आप लोग देख लीजिए, सभी के लिए 1-2-1 ऐसा वैकेंसी है। पीआरटी के लिए टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद सैलरी जो है 26,250 रुपये, तो बहुत ही अच्छा सैलरी प्रोवाइडेड हो रहा है। लेकिन ये जो इंटरव्यू होगा एंड एवरीथिंग जो वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में होगा। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ से आया है। ये हम लोग का आया है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये जो है हम लोग का साउथ वेस्टर्न रेलवे ऑफिस ऑफ द सीनियर डिवीजन पर्सनल ऑफिसर डिवीजन ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट हुबली। तो ये जो हुबली है वो कर्नाटका स्टेट से आया हुआ है। तो कर्नाटका स्टेट में जितना भी आप लोग एलिजिबल हैं आप लोग इस रिक्वायरमेंट में तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने का प्रोसेस अभी हम लोग देख लेते हैं। मोड ऑफ द एप्लीकेशन में यहाँ पे बोला गया है, देखिए नंबर 3 पे, कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू ईमेल टू दिस मेल आईडी, मतलब आप लोगों को जो रिज्यूम है वो इस मेल आईडी पे भेजना है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को रहना पड़ेगा विद मेल फाइल में। एंड आप लोग को यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म भी है, वो इस पीडीएफ का लिंक मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आप लोग को प्रिंट कराने के बाद वन बाय वन सभी लोग अपना अपना फिल करके एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन में आप लोग अपलोड करना चाहते हैं, कौन सा एप्लीकेशन में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, रिलीजियन, नेशनैलिटीज़, ये सब आप लोग वन बाय वन फिल करने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है आप लोग, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है आप लोगों का वन बाय वन फिल करने के बाद सिग्नेचर कर देंगे। एंड इसके साथ ये जो हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन के साथ आप लोग का जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड है, ये सब जितना भी हम लोग आप लोगों का डेटा डिटेल्स है वो आप लोग एक सिंगल पीडीएफ में करके यहाँ पे जो मेल आईडी है, यहाँ पे मेल आईडी और एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इस मेल आईडी पे आप लोगों को भेज देना है। इसका कोई लास्ट डेट अभी तक यहाँ पे बोला नहीं गया है, तो आप लोग एज सुन एज पॉसिबल आप लोग अपलोड कर दीजिए, एज बिकॉज ये आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे डेट आया है 6/7/2021, मतलब अपलोड हुआ है, तो इस डेट को अपलोड हुआ है तो आप लोग विद इन 5 डेज का अंदर आप लोग अप्लाई कर दीजिए। सो बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर माई वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। मैं इसी तरीके से आप लोगों का सामने डेली अपडेट जो होता है टीचिंग वैकेंसी का ऑल ओवर इंडिया में अपलोड करता हूँ। सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर कीजिए फॉर माई मोटिवेशंस। थैंक यू एवरी वन, फॉर बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू।